Hey guys, so hello everyone, welcome to this channel. Today is the fourth day, and in today's video, so we are going to start one new algorithm. And in our previous videos, so we had discussed lots of points, like as we had seen how what are the different you know concepts running behind the scenes of a linear regression algorithm, and also we have seen what is underfitting, overfitting, when you can say a model is a generalized one. So this kind of a concepts we have seen in our previous video. Now we had also seen some of the accuracy matrices like as R square and adjusted R square. So where to use what, and some regularization concepts we had also seen. So now in today's video, we will try to discuss one new algorithm, that is logistic regression. So guys, let's start today's session. And I hope you are fully, you know, enjoying this video series. So please give us a like, and if you are new to this channel, so please subscribe us. चलिए स्टार्ट करते हैं फिर. तो आज के इस सेशन में हमें लॉजिस्टिक रिग्रेशन को डिस्कस करना है. जो हमने फर्स्ट एल्गोरिथम डिस्कस करी थी वो था लिनियर रिग्रेशन. लिनियर रिग्रेशन एक रिग्रेशन बेस्ड रिग्रेशन टास्क के लिए एल्गोरिथम होता है, और अभी हम डिस्कस करेंगे लॉजिस्टिक रिग्रेशन को. सबसे पहले हम देखेंगे कि लिनियर रिग्रेशन क्या था, लॉजिस्टिक रिग्रेशन क्या है, एंड देन फिर हम धीरे धीरे करके दोनों को कंपेयर करेंगे एंड डिस्कस करेंगे गाइस. सो आई सी आई थिंक यू नो सो वन इमेज इज वन नोट्स इज ओपन इन माय स्क्रीन. सो लेट मी ओपन इट इन अ गुड वे. ओके, सो if I can make it full screen and if I can zoom it out, so yeah. Okay. Okay. So perfect guys. तो पिछले वीडियोस में हमने देखा था कि लिनियर रिग्रेशन क्या होता है, कैसे काम करता है, और एक रिग्रेशन टास्क क्या होता है, इसके बारे में मैंने आपको थोड़ा बहुत ओवरव्यू दिया था सेकेंड वीडियो में, एज आई थिंक, या फर्स्ट वीडियो में ही मैंने दिया था. तो क्या होता है कि मशीन लर्निंग के अंडर में दो तरह की, तीन तरह की टास्क होती है. तो जो फर्स्ट होता है हमारा, वो होता है सुपरवाइज्ड लर्निंग या सुपरवाइज्ड मशीन लर्निंग. जो दूसरी होती है वो होता है अनसुपरवाइज्ड मशीन लर्निंग, और एक तीसरी भी होती है जिसे बोलते हैं सेमी सुपरवाइज्ड मशीन लर्निंग. ठीक है, तो सुपरवाइज्ड मशीन लर्निंग के अंडर में दो तरह के टास्क होते हैं, दो तरह के डिफरेंट प्रोसेसेस होती हैं, जिसमें से एक होता है आपका रिग्रेशन और दूसरा होता है आपका क्लासिफिकेशन. अब रिग्रेशन और क्लासिफिकेशन में क्या अंतर होता है? तो रिग्रेशन और क्लासिफिकेशन में अंतर यही होता है कि रिग्रेशन में हम किसी भी कंटिन्यूअस वैल्यू को प्रिडिक्ट करते हैं. रिग्रेशन में किसी भी कंटिन्यूअस वैल्यू को प्रिडिक्ट करते हैं, जबकि क्लासिफिकेशन के अंदर में हम किसी कंटिन्यूअस वैल्यू को प्रिडिक्ट नहीं करते हैं, बल्कि एक डिस्क्रीट वैल्यू को प्रिडिक्ट करते हैं. अब आप सोच रहे होंगे कि मैं क्या बोल रहा हूँ, कंटिन्यूअस वैल्यू क्या होता है और डिस्क्रीट वैल्यूज क्या होते हैं. तो देखो भाई, कंटिन्यूअस वैल्यू क्या होता है, कंटिन्यूअस नंबर्स क्या होते हैं, अगर आप गूगल करो नेट पे तो कंटिन्यूअस नंबर्स क्या होते हैं. तो कंटिन्यूअस नंबर्स का मतलब होता है कि अगर हम जीरो से स्टार्ट करते हैं 10 तक, तो जीरो से 10 के बीच में जितने सारे डेसिमल्स आ जाएंगे, जितने सारे इंटीजर्स आ जाएंगे, सारे के सारे सब नंबर्स को मिलाने पे कंटिन्यूअस नंबर बनता है. ठीक है, लाइक एज अगर मैं बात करूं, अगर मैं आपको गूगल पे दिखाऊं, तो देखो एक बार, वेट, व्हाट इज कंटिन्यूअस नंबर, व्हाट इज कंटिन्यूअस नंबर. आई थिंक आपको दिख नहीं रहा होगा, बट लेट मी शेयर दिस वन विथ यू. या तो हाँ, यहाँ पे देखिए, ए क्या बोल रहा है गाइस, तो ए हाँ, ए हमारा यही बोल रहा है कि वेट अ मिनट. देखो, कंटिन्यूअस वेरिएबल्स आर न्यूमेरिक वेरिएबल्स दैट हैव एन इनफिनाइट नंबर ऑफ वैल्यूज बिटवीन एनी टू वैल्यूज. यानी कि किसी भी दो तरह के वैल्यूज हैं, किसी भी दो तरह के वैल्यूज हैं, दो नंबर्स हैं, उनके बीच में इनफिनाइट नंबर ऑफ वैल्यूज को ही हम कंटिन्यूअस वेरिएबल्स बोलते हैं या कंटिन्यूअस नंबर्स हम बोलते हैं.
लाइक इसकी अगर मैं बात करूं आपके सामने, तो लेट मी ओपन समथिंग। सो या ओके फाइन। अरे व्हाई दिस इज कमिंग, या फाइन। सो गाइस या सो इफ आई कैन गिव यू दिस काइंड ऑफ अ नंबर राइट, सो देयर देयर विल बी टू डिफरेंट। ओ शिट दिस इज कमिंग हियर, या नाउ इट विल बी फाइन। सो इफ आई कैन गिव यू समथिंग लाइक एस टू कॉमा एंड देन इफ आई कैन गिव यू फाइव, राइट? सो व्हाट इज दिस, व्हाट यू मीन बाय दिस थिंग, व्हाट इज दिस, राइट? सो सी, इसे हम बोलते हैं, इसे हम क्या बोलेंगे, तो ए और ए, ये दो चीजें हैं हमारे लिए क्लोज्ड ब्रैकेट्स, ठीक है? आप सबको पता होगा कि क्लोज्ड ब्रैकेट्स क्या होता है। ये दो है क्लोज्ड ब्रैकेट्स और इनके बीच में हमने एक इंटरवल डाल रखा है, इसे इंटरवल बोलते हैं। अब इस तरह से 2.5 है, इस 2.5 को हमने क्लोज्ड ब्रैकेट के अंदर में डाल रखा है। इसका मतलब यही होता है कि ये ब्रैकेट हमें किसी तरह के वैल्यूज को देने वाले हैं, ये किसी तरह का रेंज देने वाला है। आपने पाइथन में रेंज फंक्शन पढ़ा होगा, लाइक एज रेंज ऑफ 2.5 क्या होता है, तो 2 से लेकर के 5 तक की बीच में जो भी वैल्यूज होते हैं वही देते हैं रेंज फंक्शन आपको। तो सिंपल यहाँ भी वही कंसेप्ट है, 2.5 है यहाँ पे, और यहाँ पे क्लोज ब्रैकेट्स लगा हुआ है। इसका मतलब ये होगा कि 2 से लेकर के 5 तक के बीच में जितने भी डेसिमल वैल्यूज होंगे सबको ये देगा, सबको देगा, और साथ ही साथ इस 2 को भी इंक्लूड करेगा और साथ ही साथ इस 5 को भी ये इंक्लूड करेगा, ठीक है? अगर मैं इसका अगर मैं लिखना चाहूं तो सपोज दैट कुछ ऐसा 2.6, 2.0, 2.1, 2.2, दिस 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 दिस, 4.9, 5.0, ठीक है? तो कुछ इस तरह का ये आपको नंबर यहाँ पे देने वाला है। तो इसे ही हम बोलते हैं कंटिन्यूअस नंबर्स, कंटिन्यूअस वेरिएबल्स। तो रिग्रेशन में जब भी कुछ, देखो भाई, रिग्रेशन हो या क्लासिफिकेशन हो या कुछ भी हो, सुपरवाइज लर्निंग हो, अनसुपरवाइज लर्निंग हो, ठीक है, कुछ भी हो, वहां पे हम क्या करते हैं, हम किसी तरह का हम प्रेडिक्शंस करवाते हैं अपने मॉडल का इस्तेमाल करके, कोई ना कोई टास्क हम परफॉर्म करवाते हैं। तो यहाँ पे जब मैं रिग्रेशन के बारे में स्पेसिफिकली जब जब हम बात करेंगे, तो रिग्रेशन में क्या होता है कि हमेशा ही हम किसी न किसी तरह के कंटिन्यूअस वैल्यू को प्रिडिक्ट करने का प्रयास करते हैं, ठीक है? अभी हम रिग्रेशन हमने पढ़ा, रिग्रेशन के एक एल्गोरिथम्स को हमने देखा। अब इसके बाद हम क्लासिफिकेशन को देखेंगे, क्लासिफिकेशन क्या होता है, कैसे होता है, और उसके बाद में जब सुपरवाइज लर्निंग जब खत्म हो जाएगी तो फिर हम अनसुपरवाइज में भी आएंगे। अनसुपरवाइज में क्लस्टरिंग करके एक अप्रोच होता है, क्लस्टरिंग में क्या करते हैं वो हम बाद में देखेंगे, लेकिन फिलहाल के लिए आप समझो कि रिग्रेशन के अकॉर्डिंग, आई मीन रिग्रेशन टास्क के अंदर में हम केवल कंटिन्यूअस वैल्यूज को ही प्रिडिक्ट करते हैं, और ये होते हैं हमारे कंटिन्यूअस वैल्यूज। हमारा जो भी प्रिडिक्शन होगा वो किसी न किसी एक कंटिन्यूअस वैल्यू ही होगा, कोई ना कोई एक कंटिन्यूअस वैल्यू होगा, ठीक है? करेक्ट, आई होप इट इज मेकिंग सेंस टू यू गाइज। चलो ठीक है, ये तो हमारा रिग्रेशन हुआ, लेकिन डिस्क्रीट नंबर क्या होता है? तो आप अगर यहाँ पे, अगर इस साइट को अगर आप यहाँ पे ओपन करोगे, तो वेट आई थिंक आई नीड कर्सर। सो या तो यहाँ पे देखो कंटिन्यूअस वेरिएबल्स के बारे में यहाँ पे दे रखा है, ये डिस्क्रीट वेरिएबल। डिस्क्रीट वेरिएबल्स आर न्यूमेरिक वेरिएबल्स दैट हैव अ काउंटेबल नंबर ऑफ वैल्यूज बिटवीन एनी टू वैल्यूज। डिस्क्रीट वेरिएबल इज ऑलवेज न्यूमेरिक, फॉर एग्जांपल द नंबर ऑफ कस्टमर कंप्लेंट्स और द नंबर ऑफ फ्लॉज और डिफेक्ट्स। तो देखो भाई, डिस्क्रीट वेरिएबल को हम कैसे डिफाइन करेंगे? तो डिस्क्रीट वेरिएबल को डिफाइन करने के लिए हमें कुछ नहीं करना है, बस हमें ये करना है कि अगर हम आपसे बोल रहे हैं कि ठीक है, एक से लेकर के 10 के बीच में जितने भी प्राइम नंबर्स हैं, जितने भी प्राइम नंबर्स हैं, उन सारे प्राइम नंबर्स को आप लिखो, तो हम क्या लिखेंगे? तो हम यहाँ पे क्या करेंगे कि सपोज दैट कि हम यहाँ पे एक से लेकर के 10 तक के बीच में है, तो एक प्राइम नंबर होगा, वन होगा प्राइम नंबर। आप वीडियो को पॉज करके कमेंट करके आप बताओ कि वीडियो सॉरी वन प्राइम नंबर होगा या नहीं होगा, आप बताओ हमें कमेंट करके। बट वैसे
वन इज नाइदर प्राइम नॉर कंपोजिट, ये चीज हम बहुत पहले से पढ़ते आ रहे हैं। तो वन हमारा प्राइम नंबर नहीं होगा, टू हमारा प्राइम नंबर होगा, फिर हमारा थ्री प्राइम नंबर होगा गाइस, फिर फाइव होगा प्राइम नंबर, फिर सेवन होगा प्राइम नंबर, इसके बाद एट नहीं होगा, नाइन नहीं होगा, एंड देन टेन। तो ये कुछ स्पेसिफिक नंबर्स हमें मिल रहे हैं, एक से लेकर के 10 के बीच में। अगर हमने बोला कि कितने प्राइम नंबर्स होंगे, जो भी प्राइम नंबर्स होंगे उनको आप एक लिस्ट में डालो, तो कुछ ऐसे करके हमें प्राइम नंबर्स मिल गए। तो डिस्क्रीट वेरिएबल का मतलब यही होता है कि वो कोई काउंटेबल नंबर ऑफ वैल्यूज होते हैं, कोई दो वैल्यू के बीच में। तो जब भी हम क्लासिफिकेशन की बात करेंगे तो वहां पे कुछ ऐसे ही डिस्क्रीट वैल्यूज होंगे, ठीक है, वहां पे कुछ ना कुछ डिस्क्रीट वैल्यूज होंगे। और डिस्क्रीट वैल्यूज कहने का मतलब है कि वहां पे इस तरह के कोई फिक्स्ड वैल्यूज होंगे, कोई कंटिन्यूअस वैल्यूज नहीं होंगे। वहां पे आपको क्लासेस भी देखने को मिल सकता है, ठीक है। क्लासेस कहने का मतलब है कि वहां पे लेबल्स के तौर पे आपको प्लस प्लस माइनस ऐसा देखने को मिल सकता है, या आपको देखने को मिल सकता है, अरे यार, कैट या डॉग भी आपको देखने को मिल सकता है, या आपको पॉजिटिव पॉजिटिव या तो आपको नेगेटिव देखने को मिल सकता है। तो ऐसे करके क्लासेस वहां पे बने होते हैं। जब भी हम क्लासिफिकेशन की बात करेंगे तो वहां पे हमारा लेबल्स, भाई रिग्रेशन का जब भी जिक्र आएगा तो रिग्रेशन के केस में हमारे लेबल्स कुछ ऐसे होते हैं, इस टाइप के होते हैं, क्या कंटिन्यूअस वैल्यूज हमारे लेबल्स, लेकिन क्लासिफिकेशन के केस में क्लासेज होते हैं, कुछ इस तरह की कैटेगरीज होती हैं, कैटेगरीज। तो इनका कुछ ना कुछ वैल्यू होगा जो कि इस तरह के डिस्क्रीट वैल्यूज के टाइप के होंगे, ठीक है। तो यहाँ पे बेसिकली आपके समझने के लिए यही है कि आप डिस्क्रीट और कंटिन्यूअस यहाँ पे आप याद न रखो, बस आप यही याद रखो कि हमारे पास कुछ ऑप्शंस होंगे, बस कुछ फिक्स्ड ऑप्शंस, और हमारा प्रेडिक्शंस इन्हीं ऑप्शंस में से कोई एक ऑप्शंस होगा। आपके लेबल्स में जितने भी डिफरेंट डिफरेंट यूनिक डिस्टिंक्ट नंबर ऑफ क्लासेस हैं, मतलब ऑप्शंस हैं। जैसे मेरे कहने का मतलब है कि अगर मैंने आपसे अगर पूछ दिया कि ठीक है भाई, आपके 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 आई मीन आपके कंपनी में या फिर आपके टीम में, आपके टीम में कितने सारे ऐसे लड़के हैं जो कि आपके साथ काम करते हैं, तो आप उनका नेम लिखोगे ना, आप जैसे कि आप उनका नेम लिखोगे, अगर हमने आपसे पूछ दिया कि आपके टीम में जो भी लड़के काम करते हैं, आप उनका एक लिस्ट बनाओ, और उनका एक लिस्ट बनाओ और उस लिस्ट को आप नाम दे दो वॉयज से, ठीक है। तो यहाँ पे हम जब एक लिस्ट बनाएंगे तो हमारा लिस्ट किस टाइप का होगा, यानी आइडिया देखो भाई, ये कुछ ऐसा होगा, ये कुछ ऐसा होगा लाइक एस की क्या लाइक एस की आपका वेट, तो ये कुछ आपका ऐसा होगा जैसे, अरे यार व्हाई दिस इज हैपनिंग, हाँ तो यहां कुछ ऐसा होगा लाइक एस की अमन, रोहन, लाइक एज मोहित, लाइक एज रोहित, राइट, और लाइक एज मान के चलो जॉन, मान के चलो टॉम, ठीक है, कुछ ऐसे करके आपके पास नाम होंगे। तो अगर आपके लेबल्स में केवल यही छह नाम है, केवल यही छह वैल्यूज हैं जो बार बार रिपीट हो रही हैं, बार बार रिपीट हो रही हैं, तो ये छह आपके पास लेबल है, डिस्टिंक्ट लेबल्स है, डिस्टिंक्ट मतलब अलग अलग। तो सारे जो भी आपके पास लेबल्स हैं वो सारे लेबल्स केवल यही छह हैं, मतलब आपके लेबल्स में केवल यही छह वैल्यूज है। हो सकता है कि ये बार बार रिपीट करे, ऐसा होगा, बट केवल ये छह ही वैल्यूज हैं आपके पास। तो जब आप क्लासिफिकेशन टास्क जब आप परफॉर्म करोगे, किसी मशीन लर्निंग की एल्गोरिदम जब भी आप लगाओगे इन पे, इस तरह के डेटा सेट पे,
तो इस तरह के डेटा सेट पे जब भी आप करोगे तो इनकी प्रेडिक्शंस जब कभी भी आएगी तो इन्हीं छह में से कोई एक आने वाली है, इन्हीं छह में से कोई एक आपको आने वाली है आपकी प्रेडिक्शन। बात समझ में आई? तो ये होता है हमारा क्लासिफिकेशन। अब हम चलते हैं अपने स्क्रीन पे, अपने अपने नोट्स पे चलते हैं। तो आई थिंक कि फर्स्ट ऑफ ऑल लेट मी क्लियर दिस थिंग्स। वेट, गाइज इफ यू कैन वेट फॉर सम मोर मिनट्स, सो आई विल बी जस्ट कमिंग बैक, सो जस्ट वेट फॉर सम 2 to 3 मिनट्स, राइट। ओके गाइस, सो वी आर बैक नाउ। तो चलते हैं हम अपने स्क्रीन पे, अपने नोट्स पे चलते हैं। एंड ओके फाइन, सो व्हाट आई कैन डू। हाँ, अब देखो, लॉजिस्टिक रिग्रेशन इज वन सच रिग्रेशन एल्गोरिदम व्हिच कैन बी यूज्ड फॉर परफॉर्मिंग क्लासिफिकेशन टास्क्स, ठीक है? तो लॉजिस्टिक रिग्रेशन एक तरह का ऐसा रिग्रेशन एल्गोरिदम है, इसका नाम है रिग्रेशन, ठीक है? लॉजिस्टिक रिग्रेशन, जैसे आपने लिनियर रिग्रेशन पढ़ा था वैसे ही इसका भी नाम है रिग्रेशन, बट लॉजिस्टिक रिग्रेशन इज वन सच काइंड ऑफ एल्गोरिदम, नॉट अ रिग्रेशन एल्गोरिदम बट अ सच काइंड ऑफ एल्गोरिदम व्हिच कैन बी यूज्ड फॉर परफॉर्मिंग क्लासिफिकेशन टास्क, जिसका इस्तेमाल रिग्रेशन टास्क के लिए नहीं बल्कि क्लासिफिकेशन टास्क के लिए करते हैं। इन लिनियर रिग्रेशन वे डील्स विद क्वांटिटेटिव डेटा, वेयर एज क्लासिफिकेशन मॉडल्स डील्स विद क्वालिटेटिव डेटा और कैटेगोरिकल डेटा। तो लिनियर रिग्रेशन में हमने जैसे कि बताया कि हम क्वांटिटेटिव डेटा का इस्तेमाल करते हैं, क्वांटिटेटिव डेटा के साथ हम काम करते हैं या कंटिन्यूअस डेटा के साथ हम काम करते हैं, लेकिन क्लासिफिकेशन मॉडल्स हमेशा ही क्वालिटेटिव डेटा या कैटेगोरिकल डेटा पे काम करते हैं। कैटेगोरिकल डेटा कहने का मतलब है कि हमारे पास कैटेगरीज होते हैं डिफरेंट डिफरेंट, इफ आई कैन टॉक अबाउट कैट डॉग, राइट, इफ आई कैन टॉक अबाउट प्लस माइनस, इफ आई कैन टॉक अबाउट पॉजिटिव निगेटिव, राइट। तो ऐसे करके कैटेगरीज पे, कैटेगोरिकल डेटा पे हमेशा एक क्लासिफिकेशन की मॉडल काम करती है, डील करती है। इन लॉजिस्टिक रिग्रेशन वी ड्रॉ अ बेस्ट फिटेड लाइन सिमिलर टू लिनियर रिग्रेशन एंड देन वी यूजेज अ प्रोबेबिलिस्टिक फंक्शन एंड कैलकुलेट्स द प्रोबेबिलिटी फॉर डेटा पॉइंट्स बिलोंगिंग टू अ पर्टिकुलर क्लास अकॉर्डिंग टू द बेस्ट फिटेड लाइन। देखो भाई, आप सोच रहे हो कि भाई ए एल्गोरिदम लॉजिस्टिक रिग्रेशन तो क्लासिफिकेशन के लिए है, फिर इसका नाम रिग्रेशन क्यों है? तो इसका नाम रिग्रेशन इसलिए है, लॉजिस्टिक के बाद रिग्रेशन इसलिए लगता है कि जैसे कि लिनियर रिग्रेशन के अंदर में हम वहां पे एक बेस्ट फिटेड लाइन को ड्रॉ कर रहे थे, सिमिलर यहां भी हम एक बेस्ट फिटेड लाइन को ड्रॉ करेंगे और तब देन वी यूज अ प्रोबेबिलिस्टिक फंक्शन, फिर हम एक प्रोबेबिलिस्टिक फंक्शन का इस्तेमाल करके और प्रोबेबिलिटी को कैलकुलेट करेंगे अपने डेटा पॉइंट्स के लिए बिलोंगिंग टू ए पर्टिकुलर क्लास अकॉर्डिंग टू द बेस्ट फिटेड लाइन। मतलब अपने बेस्ट फिटेड लाइन के अकॉर्डिंग
हम कुछ प्रोबेबिलिटीज को कैलकुलेट करेंगे और एक प्रोबेबिलिस्टिक फंक्शन का इस्तेमाल करेंगे और हमें पता करेंगे कि ए पर्टिकुलर डेटा पॉइंट जो है वो किस कैटेगरी को बिलोंग करता है, किस क्लास को बिलोंग करता है। यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट यहाँ पे क्लासेस होंगे, तो किस क्लास को बिलोंग करता है आखिर। तो ए होता है हमारा लॉजिस्टिक रिग्रेशन। और जैसा कि लीनियर रिग्रेशन में एक बेस्ट फिटेड लाइन को हम ड्रॉ करते हैं, स्ट्रेट लाइन को ड्रॉ करते हैं, यहाँ भी सिमिलर वही कहानी हम करते हैं और सेम वही लाइन यहाँ भी ड्रॉ करते हैं। इसके कारण इसे रिग्रेशन भी बोलते हैं और इसके नाम में रिग्रेशन लगाया गया है। सो दैट्स व्हाई वी से दिस एल्गोरिदम एज लॉजिस्टिक रिग्रेशन। लॉजिस्टिक रिग्रेशन यूजेस द कंसेप्ट ऑफ बेस्ट फिटेड लाइन सिमिलर टू लीनियर रिग्रेशन एंड सो इट गेट्स दिस टाइप ऑफ नेम लॉजिस्टिक रिग्रेशन। ठीक है, इट कैलकुलेट्स द प्रोबेबिलिटी दैट अ गिवन डेटा पॉइंट बिलोंग्स टू ए स्पेसिफिक क्लास। ये क्या करता है, ये बेसिकली एक तरह के फंक्शन को, एक तरह के प्रोबेबिलिस्टिक फंक्शन का इस्तेमाल करता है और एक गिवन डेटा पॉइंट के बारे में बताता है कि भाई वो किस क्लास को बिलोंग करेगा, इसकी प्रोबेबिलिटी को कैलकुलेट करता है। अब बोल रहा है इफ द प्रोबेबिलिटी इज लेस देन 50% इट अजाइंस दैट वैल्यू इन अ पर्टिकुलर क्लास, एल्स इफ द प्रोबेबिलिटी इज मोर देन 50% इट इज अजाइंड टू सम अदर क्लास। तो यहाँ पे क्या होता है कि हम प्रोबेबिलिटी वैल्यू को कैलकुलेट करते हैं और वहां पे एक थ्रेशोल्ड वैल्यू लगा के रखते हैं। थ्रेशोल्ड वैल्यू होता है हमारा 50% और हम यही कैलकुलेट करते हैं कि भाई प्रोबेबिलिटी अगर 50% आएगी तो ये इस क्लास का होगा और प्रोबेबिलिटी अगर 50% से कम आएगी तो ये इस क्लास का होगा। तो कुछ इस तरह की कंसेप्ट यहाँ पे होती है गाइस, और लॉजिस्टिक रिग्रेशन कुछ ऐसे काम करता है। तो चलिए फिलहाल आगे बढ़ते हैं एंड आगे भी बहुत सारी चीजें हैं, हमें कुछ मैथमेटिक्स भी समझना है, कुछ इंपॉर्टेंट मैथमेटिक्स हमें देखना है कि आखिर क्या कुछ होता होगा, कैसे प्रोबेबिलिस्टिक फंक्शन का इस्तेमाल हम करते हैं यहाँ पे और कैसे लॉजिस्टिक रिग्रेशन काम करता है। चलिए तो अब है कि सो वी कैन से लॉजिस्टिक रिग्रेशन एक्ट्स एज अ बाइनरी क्लासिफायर। हाँ, एक और चीज कि अगर आपके पास केवल दो क्लासेस रहेंगे, लाइक एस कि अगर आपके पास कुछ ऐसा है गाइस कि अगर आपके पास है सपोज दैट एक क्लास है आपका कैट और दूसरा क्लास है अगर आपका डॉग, ठीक है, तो आपके पास केवल दो ही क्लासेस हैं। तो जब केवल दो क्लासेस रहेंगे और केवल दो क्लासेस के लिए जब भी आप क्लासिफिकेशन परफॉर्म करवाओगे तो उस सिचुएशन को बोलते हैं, उस क्लासिफायर को बोलेंगे बाइनरी क्लासिफायर और उस एल्गोरिदम को क्लासिफायर बोलते हैं। क्लासिफायर करने का मतलब है इसका इस टास्क को क्लासिफिकेशन बोल रहे हैं, यानी क्लासिफिकेशन के लिए इस एल्गोरिदम का इस्तेमाल हम कर रहे हैं। तो क्लासिफिकेशन के लिए जिस भी एल्गोरिदम का आप इस्तेमाल करोगे उसे क्लासिफायर बोलेंगे और रिग्रेशन के लिए जिस एल्गोरिदम का इस्तेमाल करोगे उसे रिग्रेसर बोलते हैं। रिग्रेसर एल्गोरिदम और क्लासिफायर एल्गोरिदम। तो यहाँ पे चूंकि हम दो क्लासेस के लिए अगर हम करेंगे तो इसे हम बाइनरी क्लासिफायर बोलेंगे और अगर हमारे क्लासेस दो से ज्यादा हो, तीन हो, चार हो, पांच हो, छह हो, 10 हो, 1000 हो, करोड़ हो, मिलियंस, बिलियंस, ट्रिलियंस, कुछ भी हो, दो से अगर अधिक है तो ये हमारा मल्टी क्लासिफायर में आ जाएगा। ठीक है, मल्टी क्लास क्लासिफिकेशन कहलाएगा। ठीक है, मल्टी क्लास क्लासिफिकेशन। ये दो क्लासेस रहेंगे तो बाइनरी क्लासिफिकेशन, बाइनरी क्लास क्लासिफिकेशन, और अगर दो से ज्यादा रहेगा तो बाइनरी, सॉरी, मल्टी मल्टी क्लास क्लासिफिकेशन कहलाएगा। अब बोलता है इन केस ऑफ लीनियर रिग्रेशन वी लुक्स फॉर सम वैल्यूज ओवर द लाइन बट इन केस ऑफ लॉजिस्टिक रिग्रेशन वी लुक्स फॉर सम वैल्यूज टू बी लाइंग इन आइदर साइड्स ऑफ द लाइन। समहाउ हाइपोथेटिकली वी ट्राई टू कैलकुलेट द प्रोबेबिलिटी फॉर पॉइंट्स टू बी लाइंग इन आइदर दिस साइड ऑफ लाइन और इन अपोजिट साइड, देन वी कैन क्लासिफाई द डेटा पॉइंट्स इनटू डिफरेंट क्लासेस। देखो भाई जनरली क्या होता है, कल हमने लीनियर रिग्रेशन को कल हमने डिस्कस किया था आपके सामने। तो लीनियर रिग्रेशन में क्या था कि कुछ इस तरह की कुछ एक लाइन थी और हमारा जो भी हमारा प्रेडिक्शन आ रहा था वो इस लाइन पे ही कहीं ना कहीं प्रोजेक्ट हो रहा था। तो लीनियर रिग्रेशन के केस में जो भी प्रेडिक्शन आते हैं किसी भी डेटा पॉइंट का, कोई भी प्रेडिक्शन जब कभी भी आएगा वो हमेशा उस लाइन पे ही होता था, उस लाइन पे ही लाई करता था। ठीक है, लेकिन लॉजिस्टिक रिग्रेशन के केस में ऐसा नहीं होता। लॉजिस्टिक रिग्रेशन के केस में हम क्या करते हैं कि हमारे जो भी प्रेडिक्शंस आते हैं तो प्रेडिक्शंस होते हैं क्या, बेसिकली वो एक तरह का प्रोबेबिलिस्टिक वैल्यू होता है
और उस प्रोबेबिलिस्टिक वैल्यू का इस्तेमाल करके हमें पता करते हैं कि ठीक है, अगर फलाना कोई पॉइंट अगर यहाँ पे है तो वो इस लाइन के इस तरफ है या इस लाइन के इस तरफ है। और ये जो लाइन होता है, ये लाइन हमारा एक तरह का सेपरेटर के तौर पे काम करता है। ठीक है, तो जो लाइन वहां पे हमारा रिग्रेसर था, वही लाइन, वही बेस्ट फिटेड लाइन यहाँ पे हमारा एक सेपरेटर के तौर पे काम करेगा, और वो दो क्लासेस के डेटा पॉइंट्स को सेपरेट करेगा। एक क्लास का डेटा पॉइंट इसके इस साइड रहेगा और दूसरे क्लासेस के जो डेटा पॉइंट्स रहेंगे वो इसके साइड में रहेंगे। ठीक है, हम देखेंगे कैसे साइड में रहेंगे, बट समहाउ हाइपोथेटिकली वी ट्राई टू कैलकुलेट द प्रोबेबिलिटी फॉर पॉइंट्स टू बी लाइंग इन आइदर दिस साइड ऑफ लाइन और इन अपोजिट साइड। तो हाइपोथेटिकली किसी तरह से बस मान लिया जाए कि हम उन पॉइंट्स के प्रोबेबिलिटी को कैलकुलेट करें और वो प्रोबेबिलिटीज हमें ये बता दें कि ये पॉइंट लाइन के इस साइड में होगा या इस साइड में होगा, और तब जाकर के हम क्लासिफाई कर सकते हैं उन्हें डिफरेंट क्लासेस में। अब बोलता है, इन केस ऑफ लिनियर रिग्रेशन वी हैव आवर रिग्रेशन मॉडल व्हिच हैव बेस्ट वैल्यूज ऑफ एम एंड सी एंड देन वी इनपुट द वैल्यूज ऑफ एक्स एंड आवर मॉडल गिव्स सम आउटपुट वैल्यूज वाई दैट लाइज ओवर द लाइन। लिनियर रिग्रेशन के केस में क्या हो रहा था, वहां पे यही तो था कि आप एम और सी के वैल्यूज से आपने एक बेस्ट फिटेड लाइन को आपने ड्रॉ कर दिया। अब वहां पे केवल आप एक्स के वैल्यूज दो, एक्स के वैल्यूज देने का मतलब है आप वहां पे केवल फीचर्स डालो और उसका जो भी आउटपुट आएगा, जो भी आपका वाई हैट आएगा, वो हमेशा ही उस लाइन पे ही लाई करेगा। ऐसा लिनियर रिग्रेशन के केस में हो रहा था। बट इन केस ऑफ लॉजिस्टिक रिग्रेशन वी यूजेड सेम लाइन एज अ सेपरेटर और क्लासिफायर विच इज एबल टू डिवाइड माई डेटा सेट इन टू टू सेट्स एंड विच गिव्स सम प्रोबेबिलिस्टिक वैल्यूज दैट टेल्स व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी फॉर डेटा पॉइंट टू बी लाइंग आइदर दिस साइड ऑफ लाइन और दैट साइड ऑफ लाइन। तो यहाँ पे क्या होता है लॉजिस्टिक रिग्रेशन के केस में कि हम यहाँ पे उसी सेम लाइन का इस्तेमाल करते हैं सेपरेटर के रूप में, क्लासीफायर के रूप में, और जो हमें बताता है, जो डिवाइड करता है हमारे डेटा सेट को दो सेट्स में डिवाइड करता है और कुछ प्रोबेबिलिस्टिक वैल्यूज देता है, और इन प्रोबेबिलिस्टिक वैल्यूज के आधार पे हम सेपरेशन करते हैं, क्लासिफिकेशन करते हैं कि भाई ठीक है, ये फलाना डेटा पॉइंट लाइन के इस साइड में लाई करेगा या इस साइड में लाई करेगा। ठीक है, तो ये कुछ इस तरह की चीजें यहाँ पे होती हैं गाइस। अब हम देखेंगे कि क्या कुछ मैथमेटिकल कंसेप्ट यहाँ पे होते हैं। तो चलिए फिर, इन केस ऑफ मल्टीपल फीचर्स वी यूजेज ए हाइपर प्लेन इंस्टेड ऑफ अ लाइन टू गिव द प्रोबेबिलिस्टिक वैल्यूज। हाँ, अगर कुछ फीचर्स रहेंगे तो कुछ फीचर्स के फॉर्म में हम कुछ फीचर्स के लिए हम केवल एक सिंपल लाइन का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन हमारे पास मल्टीपल फीचर्स हो, मल्टीपल फीचर्स कहने का मतलब क्या हुआ, तो मतलब ये हुआ कि अगर आपका डेटा सेट में केवल दो फीचर्स हैं, ओनली टू फीचर्स हैं, ठीक है, तो आपका एक्स 2D हुआ, 2D होगा ना आपका एक्स, टू डायमेंशनल होगा आपका, आपके डेटा पॉइंट्स आपके टू डायमेंशनल हो जाएंगे। तो अगर आपके पास दो फीचर्स हैं तो क्या होगा, तो उस कंडीशन में क्या होगा कि आपका डेटा सेट 2D रहेगा, और 2D डेटा पॉइंट्स को सेपरेट करने के लिए स्ट्रेट लाइन का इस्तेमाल करते हैं, जस्ट एज वी डू इन टर्म्स ऑफ रिग्रेशन, लिनियर रिग्रेशन। तो एक स्ट्रेट लाइन का इस्तेमाल करेंगे, लेकिन अगर तीन फीचर्स हो तो आपका डेटा पॉइंट 3D कहलाएगा, चार फीचर्स हो 4D कहलाएगा, ज्यादा हो, जितने फीचर्स होंगे उतने ही डिमेंशन का आपका डेटा पॉइंट होगा। तो मल्टी डिमेंशनल अगर डेटा सेट रहेगा, डेटा पॉइंट रहेगा, तो उनको सेपरेट करने के लिए हम फिर हाइपर प्लेन का इस्तेमाल करते हैं, लाइन का इस्तेमाल नहीं करते हैं। वी विल सी ऑल दोज थिंग्स। चलिए, अब यहाँ पे क्या है, अब यहाँ पे हम एक फंक्शन के बारे में जानेंगे जिसे कि लॉजिस्टिक फंक्शन बोलते हैं या सिग्मोइड फंक्शन बोलते हैं। इसका असली नाम है सिग्मोइड फंक्शन, बट चूंकि लॉजिस्टिक रिग्रेशन में इसका इस्तेमाल करते हैं इसलिए इसे हम कभी कभी लॉजिस्टिक फंक्शन भी बोल देते हैं। वैसे सिग्मोइड फंक्शन क्या है, तो आप यहाँ पर जरा देखो, ध्यान दो, ये हमारा एक्स एक्सिस है, ये हमारा वाई एक्सिस है, ये हमारा ओरिजिन है, और ये हमारा कोऑर्डिनेट प्लेन है। ठीक है, कोऑर्डिनेट प्लेन है। अब क्या होगा, ए लाइन जो है हमारी एक्स एक्सिस की लाइन, ये हमारी एक्स एक्सिस की लाइन है, और ए जो लाइन है वो 0.5 पे वाई एक्सिस को काट रही है, एक्स एक्सिस वाई को हमेशा 0 पे काटती है, कट करती है, और ए जो लाइन है 0.5 पे कट करके जा रही है, और ए वाली जो लाइन है वो 1 पे कट करके जा रही है। अगर आपको इन लाइंस के इक्वेशंस पता हो तो
आप समझ सकते हो, अदरवाइज अगर नहीं पता हो तो कोई बात नहीं, मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि जो एक्स एक्सिस होता है, एक्स एक्सिस का इक्वेशन होता है y इज इक्वल जीरो होता है इसका इक्वेशन, मैं लिख देता हूँ आपके लिए। तो जो हमारा y एक्सिस रहेगा, राइट, जो हमारा y रहेगा, अरे यार पता नहीं क्यों बढ़िया से हो नहीं पाता। देखो y इज इक्वल जीरो, ये हमारा y एक्सिस का, x एक्सिस का हमारा इक्वेशन हो गया। तो अगर जीरो पे कट कर रहा है तो y इज इक्वल जीरो, लेकिन यही चीज अगर 0.5 पे कट करेगा तो फिर क्या होगा? तो फिर उस सिचुएशन में हमारा इक्वेशन हो जाएगा y इज इक्वल 0.5, और यही चीज अगर हमारा कट करेगा 1 पे तो उस कंडीशन में हमारा इसका इक्वेशन हो जाएगा y इज इक्वल 1। बात समझ में आ रही है? तो इस तरह से इन तीनों लाइन के इक्वेशंस हमने यहाँ पे लिख दिए, x एक्सिस y इज इक्वल जीरो, इसका इक्वेशन हो जाएगा y इज इक्वल 0.5, और इसका इक्वेशन हो जाएगा y इज इक्वल 1। अब जो हमारा सिग्मॉइड फंक्शन होता है वो क्या होता है? तो हमारा जो सिग्मॉइड फंक्शन होता है, इधर से x एक्सिस के निगेटिव साइड से चल के आता है, और ये यहाँ पे है हमारा माइनस इंफिनिटी, तो माइनस इंफिनिटी से चल करके आएगा और यहाँ पे आकर के 0.5 पे आकर के वो कट करेगा किसको, 0.5 पे कट करेगा ये वाई एक्सिस को, इस पॉइंट पे कट करेगा वाई एक्सिस को, और फिर यहाँ से ऐसे करके निकल जाएगा और फिर यहाँ से प्लस इंफिनिटी को जाएगा। तो हमारा ये इस फंक्शन को हम सिग्मॉइड फंक्शन बोलते हैं, और इसका इक्वेशन होता है कुछ ए, y इज इक्वल 1/(1+e^-x). e^-x क्या है? दिस इज अ काइंड ऑफ एक्सपोनेंशियल फंक्शन। अगर आपको एक्सपोनेंशियल फंक्शन के बारे में पता होगा, ये एक तरह का एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, और इस तरह से एक्सपोनेंशियल फंक्शन के मिलने से बनता है सिग्मोइड फंक्शन। सो सिग्मोइड फंक्शन इज डिफाइंड एज y इज इक्वल 1/(1+e^-x), और इसका ग्राफ ए हुआ, जो माइनस जिसका रेंज माइनस इंफिनिटी से निकल करके आएगा और प्लस इंफिनिटी तक जाएगा, और इसका डोमेन 0 to 1 होता है, ठीक है। और इसी फंक्शन को लॉजिस्टिक रिग्रेशन एल्गोरिथम में हम इस्तेमाल करते हैं, जिसके कारण इसको हम लॉजिस्टिक फंक्शन भी बोलते हैं। अब बोलता है कि व्हाई डू वी यूज सिग्मॉइड फंक्शन, ये बोलता है कि सिग्मॉइड फंक्शन का हम इस्तेमाल क्यों करेंगे? तो यहाँ पे बोल रहा है कि भाई सिग्मॉइड फंक्शंस रेंज इज बाउंडेड बिटवीन 0 and 1। हाँ देखो भाई, एक चीज मैंने यहाँ पे गलत बताई, ये जो रेंज होता है वाई का वैल्यू, कि वाई पे कितना ज्यादा ये जा रहा है, मतलब वाई के किन किन वैल्यूज के बीच में है, तो वाई के जिन जिन वैल्यूज के बीच में रहेगा उसे रेंज बोलेंगे। तो सिग्मॉइड फंक्शन का रेंज होता है 0 से लेकर 1, 0 से नीचे नहीं आ रहा कहीं कहीं भी, और 1 से कहीं ऊपर नहीं जा रहा। तो वाई पे जहां जहां फंक्शन हमारा मूव करेगा वो उसे रेंज बोलते हैं, और एक्स पे जहां जहां चलेगा उसे डोमेन बोलते हैं, ठीक है। तो डोमेन तो इसका माइनस इंफिनिटी टू प्लस इंफिनिटी है, लेकिन रेंज है 0 to 1, यानी कि सिग्मॉइड फंक्शन का रेंज होता है बाउंडेड 0 से लेके 1 तक। सो इट इज यूजफुल इन कैलकुलेटिंग द प्रोबेबिलिटीज फॉर बाइनरी क्लासेस, और इस तरह से ये बाइनरी क्लासेस के लिए, यानी दो क्लासेस के प्रोबेबिलिटीज को कैलकुलेट करने के लिए बहुत ज्यादा उपयोगी होता है। इट्स डेरिवेटिव इज इजी टू कैलकुलेट, और इसका डेरिवेटिव यानी कि इसका डिफरेंशियल भी कैलकुलेट करना बहुत आसान होता है। विच इज यूजफुल इन ग्रेडियंट डिसेंट, जिसका कि हम इस्तेमाल करते हैं ग्रेडियंट डिसेंट एल्गोरिदम में। हमने बताया था आपको लीनियर रिग्रेशन के केस में कि ग्रेडियंट डिसेंट करके एक एल्गोरिदम होती है, जिसका इस्तेमाल हम करते हैं अपने पैरामीटर्स को अपडेट करने के लिए, अपने स्लोप और इंटरसेप्ट को अपडेट करने के लिए, हमने बताया था ऐसा। तो यहाँ पे आपको एक ऐसा फंक्शन चाहिए जो फंक्शन की आसानी से डिफरेंशिएबल हो जाए, जो कि आसानी से डेरिवेबल हो जाए, और चूंकि इसका रेंज 0 से लेकर 1 के बीच में होता है, तो बाइनरी क्लासेस के लिए ये बढ़िया है, ये उपयोगी है, यूजफुल है। और ये चूंकि डेरिवेटिव इसका आसानी से हम कैलकुलेट कर सकते हैं, तो इसका इस्तेमाल हम ग्रेडियंट डिसेंट एल्गोरिथम में आराम से कर सकते हैं, आसानी से कर सकते हैं, ठीक है। एंड इट इंट्रोड्यूसेस नॉन लिनियरिटी टू द मॉडल, और ये मॉडल में, ये डेटा सेट में नॉन लिनियरिटी को इंट्रोड्यूस करता है। नॉन लिनियरिटी कहने का मतलब
क्या है। तो इसका कहने का मतलब ये है कि अगर आपके डेटा सेट में लिनियारिटी रहेगी, यानी लिनियर रिलेशनशिप रहेगी, तो वहां पे फिर आप लिनियर, जब लिनियर रिलेशनशिप रहेगी तो फिर वहां पे आपको क्लासिफाई करने में मुश्किल हो जाएगी। तो यहाँ पे हमें चाहिए कि हम अपने डेटा सेट में नॉन लिनियरिटी को इंट्रोड्यूस कराएं, जिससे कि आसानी से ये दो क्लासेस हमारे सेपरेट हो जाएं। तो कुछ इसलिए हम इस फंक्शन का भी इस्तेमाल करते हैं। अब चलिए, अब हम देखते हैं थर्ड वाली। तो थर्ड वाला हमारा, थर्ड नहीं भाई, आई मीन थर्ड और नोड्स। तो ये कुछ ये है, इसको थोड़ा हमें ये करना पड़ेगा, रोटेट करना पड़ेगा, जस्ट वेट। ओके ओके ओके, सो दिस इज द रोटेट ऑप्शन, या फाइन। तो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, लेट मी फर्स्ट ऑफ ऑल चेक दैट इट इज विजिबल टू यू और नॉट। या इट इज विजिबल। हाँ, अब देखो भाई कि सिग्मोइड फंक्शन का डेरिवेटिव कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो इस सिग्मोइड फंक्शन को हम ऐसे करके लिख सकते हैं ना, एफ एक्स इज इक्वल 1 अपॉन 1 प्लस टू द पावर -x। ठीक है, किसी भी फंक्शन को हम एफ एक्स से डिनोट करते हैं। एफ का मतलब फंक्शन और एक्स का मतलब कि वो फंक्शन किसके टर्म्स में है, यानी किस किस वेरिएबल से बना है, कौन से वेरिएबल का फंक्शन है। तो ये एक्स का फंक्शन है, इसलिए एफ एक्स विल बी 1 अपॉन 1 प्लस टू द पावर -x, समथिंग कुछ इस तरह से हम इस फंक्शन को डिनोट करेंगे और इसको हम इक्वेशन फर्स्ट मान लेंगे। अब बोलता है कि बाय डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विथ रिस्पेक्ट टू एक्स वी गेट। अब क्या आपने डिफरेंशिएशन पढ़ रखा है? मैंने अपने फर्स्ट क्लास में ही बताया था कि इफ यू वांट टू बिकम अ डेटा साइंटिस्ट, इफ यू वांट टू हैव योर करियर ट्रांजिशन इन टर्म्स ऑफ एआई, देन यू नीड टू बी गुड इन टर्म्स ऑफ मैथमेटिक्स। आपको मैथमेटिक्स आनी चाहिए, क्योंकि जगह जगह पे, हर जगह पे आपको मैथमेटिक्स का जरूरत पड़ेगा। तो यहाँ पे देखो, ये सिंपल एक तरह का डिफरेंशिएशन है। अगर आप 11th क्लास में, 12th क्लास में अगर आपने पढ़ा होगा मैथ्स, तो आपको पता होगा कि डिफरेंशिएशन कैसे करते हैं। सो दिस इज सिंपल डिफरेंशिएशन। एंड यहाँ क्या कर रहे हैं कि हम इस इक्वेशन के दोनों साइड को एक्स के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हैं। ठीक है, हमारा वेरिएबल एक्स है तो हम एक्स के रेस्पेक्ट में ही डिफरेंशिएट करेंगे। गाइज गिव मी सम मिनट्स, सम मोमेंट प्लीज। या फाइन। सो हम यहाँ पे क्या करेंगे कि हाँ, तो यहाँ एफ एक्स को जब हम डिफ्रेंशिएट किए एक्स के रेस्पेक्ट में, तो यहाँ पे एफ डैश एक्स आया, कोई दिक्कत नहीं। एफ डैश एक्स से हम किसी भी फंक्शन के डिफरेंस डेरिवेटिव को रिप्रेजेंट करते हैं। तो हमारा एफ डैश एक्स इज इक्वल, अब इस टर्म को भी एक्स के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे, तो ये कैसे डिफरेंशिएट होगा? तो इसको जब हमने डिफरेंशिएट किया तो ये क्या होता है, U का U रहता है और V का स्क्वायर करके उसके नीचे हम लेके आते हैं, समथिंग कुछ ऐसा होता है गाइस। आप एक बार देख लो कैसे होता है इसका O। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे कि 1 अपॉन A U इंटू का U इंटू यहाँ पे हमारा रह जाएगा, और ए ई टू द पावर माइनस एक्स, यानी कि इसका डिफरेंशिएशन हम ऊपर करेंगे और नीचे वाले टर्म को हम स्क्वायर कर देते हैं। तो ये U अपॉन V के टाइप का डिफरेंशिएशन है। आपको अगर इसका फॉर्मूला नहीं पता है कि यू अपॉन वी का डिफरेंशिएशन कैसे करते हैं, आप एक बार मैथमेटिक्स का नोट्स देख लो या आप गूगल कर लो, आपको पता चल जाएगा। तो सिंपल यहाँ पे यू अपॉन वी का ही यहाँ पे डिफरेंशिएशन है, और कुछ इस तरह से हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे, और बाद में यहाँ से 1 और -1 यहाँ से कैंसिल हो जाएंगे, और ये हमारा कुछ बचेगा ऐसा। ठीक है, तो आप जरा देखो, ये सिग्मॉइड मतलब जो पहले से यहाँ पे था एफ एक्स, वही एफ एक्स यहाँ पे है, और ये 1 1 माइनस, नहीं यहाँ से एक्चुअली हमने कैंसल नहीं किया है, यहाँ से हमने क्या किया है कि हमने इस चीज को ना ब्रेक कर दिया है, हमने यहाँ से ब्रेक कर दिया है। तो ब्रेक करने के बाद क्या होगा कि 1 माइनस 1 अपॉन सेम टर्म एफ एक्स, जो हमारा एफ एक्स यहाँ पे था। तो डिफ्रेंशिएट करने के बाद क्या आया, यहाँ पे भी एफ एक्स आया, यहाँ पे 1 माइनस, फिर से एफ एक्स ही आ रहा है। तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट का इस्तेमाल करके हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि एफ डैश एक्स, जो कि डेरिवेटिव है एफ एक्स का, तो
तो एफ एक्स हमारा ये था, लेकिन इसका एफ डैश एक्स जब हमने कैलकुलेट किया तो कुछ ऐसा आया कि एफ डैश एक्स इज इक्वल एफ एक्स इंटू वन माइनस एफ एक्स। ठीक है, तो सिग्मोइड फंक्शन का यही होता है डेरिवेटिव, एफ डैश एक्स इज इक्वल एफ एक्स इंटू वन माइनस एफ एक्स। ठीक है, परफेक्ट। अब बोलता है कि वी डिफाइन ए लॉजिस्टिक फंक्शन बाय पुटिंग द वैल्यूज ऑफ वाई फ्रॉम द लाइन इनटू सिग्मोइड फंक्शन एंड सो ऑब्टेंड दिस लॉगिट और लॉगरिथमिक फंक्शन इज लीनियर इन टर्म्स ऑफ एक्स। अब हम यहां क्या करते हैं गाइस, कि हमारे पास ए वाली इक्वेशन है सिग्मोइड फंक्शन, ये फर्स्ट इक्वेशन है हमारे पास। हम यहां क्या करते हैं कि हम एक लॉजिस्टिक फंक्शन को डिफाइन करेंगे बाय पुटिंग द वैल्यूज ऑफ वाई, वाई के वैल्यूज रख करके फ्रॉम द लाइन, जो स्ट्रेट लाइन हम यहाँ पे ड्रॉ करेंगे ना, हमने बताया था कि आपको कि यहाँ भी हम एक स्ट्रेट लाइन को ड्रॉ करेंगे, तो उस स्ट्रेट लाइन के इक्वेशन से y की जो वैल्यूज होगी उसे निकाल करके और हम इस लॉजिस्टिक फंक्शन के अंदर में रख करके और एक लॉजिस्टिक फंक्शन को हम क्या करेंगे, डिफाइन करेंगे, और इसे ही हम सिग्मोइड फंक्शन बोलते हैं। तो इस तरह से हमें एक लॉगिट फंक्शन मिलेगा या एक लॉगरिथमिक फंक्शन मिलेगा जो कि एक्स के टर्म्स में लीनियर होता है। तो देखो यहां पे क्या हो रहा है, हमारा जो यहाँ पे ये देखो, ये हमारा है लॉगरिथमिक फंक्शन, लेकिन ये फंक्शन आ कैसे रहा है, आप यहाँ पे देखो, हमने ए पी एक्स, पी एक्स या एफ एक्स जो भी आप रखो, तो ये हमारा फंक्शन है सिग्मॉइड फंक्शन, जो कि हमारा इक्वेशन फर्स्ट हुआ, और सेकेंड फंक्शन है जो कि इक्वेशन ऑफ लाइन है। आपको इसको समझने में दिक्कत हो रही होगी, यहाँ पे हमने बीटा जीरो और बीटा वन इंटू एक्स रखा है, तो बीटा जीरो और बीटा वन इंटू एक्स क्या है, तो ये कुछ भी नहीं है, हमने देखा था पहले, हमने पहले देखा था अपने मतलब कल वाले सेशन में, यानी कि लिनियर रिग्रेशन वाले सेशन में हमने देखा था कि हमारी जो लाइन होती है, वेट, वेट गाइस, वेट, सो हमारी जो लाइन होती है ना वो कुछ ऐसी होती है, लाइन का इक्वेशन कुछ ऐसा होता है, वाई इज इक्वल एम एक्स प्लस सी। वेट 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 वेट, वाई आई एम नॉट एबल टू राइट एनीथिंग, या नाउ आई एम एबल टू राइट, ओके ओके। सो यहाँ पे जो हमारी इक्वेशन होती है वो कुछ ऐसी होती है कि y, फिर से दिक्कत आ रही है, y मैं माउस से तो लिख पा रहा हूँ बट पेन मेरा क्यों नहीं काम कर रहा, और कभी कभी ना बहुत लोचा हो जाता है, क्या करूँ मैं। I think I have to choose maybe colors or something, right? अरे यार चलो कोई दिक्कत नहीं है, हमने वहां पे y इज इक्वल एम एक्स प्लस सी रखा था, तो यहाँ पे हमारा जो बीटा वन है वही है हमारा m, यानी वही है हमारा स्लोप, और ये जो बीटा जीरो है वही है हमारा इंटरसेप्ट। तो आप पहले इस टर्म को लिखो या इस टर्म को लिखो, हमारा रिजल्ट तो एक ही आने वाला है। तो हम यहाँ क्या करते हैं गाइस, कि ये हमारा बीटा वन और ये हमारा बीटा जीरो, ये हमारा लाइन का इक्वेशन है, तो इस इक्वेशन से, इस सेकेंड इक्वेशन से, लाइन के इक्वेशन से वाई के जो वैल्यूज है इनको यहां से हम पुट कर देते हैं सीधे अपने इस वाले में, यानी वाई की जगह पे हम रख देते हैं। तो जैसे ही वाई की जगह पे हम रखेंगे, यानी कि यहाँ पे रखेंगे, तो ये वन अपॉन वन प्लस ई टू द पावर माइनस, और ब्रैकेट में डाल देंगे बीटा जीरो प्लस बीटा वन इंटू एक्स। बाद में जब हम इसको थोड़ा सा रिजोल्व करेंगे तो ये कुछ इस तरह का फॉर्म ले लेगा, इसको हमने इक्वेशन ए रख दिया। अब बोलते हैं ये क्या है, आप जरा सा यहाँ पे देखो, हमने बोला था कि वी आर गोइंग टू डिफाइन अ काइंड ऑफ अ प्रोबेबिलिस्टिक फंक्शन, हम एक तरह के प्रोबेबिलिस्टिक फंक्शन को हम यहाँ से लेने वाले हैं। तो जब हम यहाँ से प्रोबेबिलिस्टिक फंक्शन को लेने वाले हैं गाइस, तो
तो हमारा जो प्रोबेबिलिस्टिक फंक्शन होगा वो क्या होगा? तो प्रोबेबिलिस्टिक फंक्शन हमेशा किसी न किसी एक क्लास के लिए प्रोबेबिलिटी को बताएगा। तो दिस इज प्रोबेबिलिटी फॉर वन क्लास। ये जो प्रोबेबिलिस्टिक फंक्शन है इक्वेशन ए में, ये किसी न किसी टाइप का प्रोबेबिलिटी ही दे रहा है। तो अब हम क्या करेंगे, आपको पता होगा कि टोटल प्रोबेबिलिस्टिक जो वैल्यू होता है वो टोटल होता है वन, यानी कि प्रोबेबिलिस्टिक वैल्यू जो वन से ज्यादा नहीं होती। तो हमारे पास केवल दो ही क्लासेस है, पॉजिटिव और निगेटिव। तो अगर एक क्लास के लिए हमें प्रोबेबिलिटी अगर हमें मिल चुका है, तो दूसरे क्लास के लिए अगर हमें फाइंड आउट करना है तो क्या करेंगे, वन से उस प्रोबेबिलिटी को हम माइनस कर देंगे। सो नाउ सब्ट्रैक्टिंग बोथ साइड्स ऑफ इक्वेशन ए फ्रॉम वन, यानी कि वन वन में से हम इस दोनों साइड को हम घटा देंगे। तो वन माइनस पी एक्स और वन माइनस दिस टर्म, तो वन माइनस पी एक्स, ये कुछ भी नहीं, यहाँ लॉजिक है, ये बस एक सिंपल मैथमेटिक्स है कि हम दोनों साइड्स ऑफ इक्वेशंस में हम इक्वेशंस को हम मतलब ये दोनों टर्म्स को उठा रहे हैं इस इक्वेशन से और यहाँ पे लाके हम माइनस कर दे रहे हैं, ठीक है, और कुछ भी नहीं है। तो यहाँ पे यही है कि वन माइनस पी एक्स यहाँ पे आ गया और एक कुछ इस तरह की टर्म हमें यहाँ पे मिल रही है। अब वन माइनस पी एक्स का वैल्यू कुछ इस तरह का आ रहा है ब्रेक करने के बाद। तो यहाँ से इक्वेशन ए से हमें मिल रहा है पी एक्स और इक्वेशन बी से हमें मिल रहा है वन माइनस पी एक्स, यानी कि एक क्लास के लिए ए प्रोबेबिलिटी और दूसरी क्लास के लिए ए प्रोबेबिलिटी हमें मिल रही है। अब बोलता है कि बाय डिवाइडिंग इक्वेशन ए बाय इक्वेशन बी वी गेट, अब इक्वेशन ए को इक्वेशन बी से डिवाइड करने पे हमें मिलता है कुछ ऐसा, पी एक्स अपॉन वन माइनस पी एक्स इज इक्वल ई टू द पावर बीटा जीरो प्लस बीटा वन इन टू एक्स, एंड दिस इज आवर इक्वेशन सी। और यही तो हमने यहाँ पे लिख रखा है, नहीं ए हमने नहीं लिख रखा है, थोड़ा सा डिफरेंट है, बट कैसे थोड़ा सा डिफरेंट है इसे हम देखेंगे, ठीक है। बट आई थिंक कि माई एपिक पेन इज क्रिएटिंग सम इशू, आई एम नॉट एबल टू क्लिक एनी वेयर, आई डोंट नो वाई, वेयर इज दिस यू नो स्टकिंग। सो लेट मी गिव सम टाइम गाइस, आई विल जस्ट ट्राई टू यू नो, आई एम नॉट एबल टू क्लिक एनी वेयर। Sometimes this, you know, this tools creates huge issues. No. I don't know why these things happens. Yeah. Okay. So now I think it is fine now. तो अब हमने यहां तक देख लिया है कि हमें इक्वेशन सी मिल चुका है और इस इक्वेशन सी में px upon 1 minus px है और फिर कुछ इस तरह का टर्म्स हमें यहां तक मिल चुका है। अब हम इसके आगे चलेंगे, ठीक है, तो इसके आगे चलेंगे, लेट मी सी, सो वी आर इन दिस वन, ओके, सो अब यहां से नो आई थिंक दिस इज नॉट दैट, so this would be, yeah, इसको आपको रोटेट करना पड़ेगा, हाँ ओके। अब देखो भाई यहाँ पे क्या हो रहा है, तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं कि उसी इक्वेशन सी पे हमने बोथ साइड्स पे लॉगरिथम्स ले लिया, मतलब ई को बेस लेकर के हमने दोनों साइड में लॉगरिथम ले लिया, यहाँ भी लॉगी हमने लगाया, यहाँ भी हमने लॉगी लगाया, और इसके बाद क्या हुआ कि यहाँ पे लॉगी का लॉगी रहेगा और यहाँ पे लॉग ई लॉग ऑफ दिस टू बेस ई, और जब कुछ ऐसा होता है तो ई से ई को हम कैंसिल करते हैं एंड ये पूरी की पूरी टर्म क्या होती है कि पूरी की पूरी टर्म हमारी वैनिश हो जाती है और ये जो पावर होता है पावर हमारा नीचे चला आता है, तो ये हमारी ऐसी हो जाएगी और ये लॉग ई ऑफ ई रह जाएगी, लॉग ई ऑफ ई हमारी क्या होती है वो हमारी वन हो जाती है। तो कुछ ऐसे करके हमें यहाँ से ए बीटा जीरो प्लस बीटा वन इंटू एक्स मिलेगा और ये तो लीनियर है ना, ये तो एक्स के टर्म्स में लीनियर है। तो इस तरह से हम बोलते हैं कि दिस इज आवर लॉग इट फंक्शन इन एक्स विच इज लीनियर, लीनियर इन टर्म्स ऑफ एक्स। ये जो हमारा लॉगिट फंक्शन हमें इस तरह से मिल रहा है ये x के टर्म्स में लीनियर है।
अब अगर हमारे पास अगर मल्टीपल वेरिएबल्स रहेंगे तो क्या होगा? तो अगर मल्टीपल वेरिएबल्स रहेंगे तो β0, β1x1, β2x2, β3x3, यानी कि हमारे पास मल्टीपल फीचर्स रहेंगे तो ये सारे के सारे फंक्शंस यहाँ पे हमारे ऐड हो जाएंगे और सेम कंसेप्ट कुछ ऐसा होगा, और हमारा जो ये लॉगिट फंक्शन होगा कुछ ऐसा दिखेगा, β0 प्लस β1 इंटू x1 प्लस β2 इंटू x2 प्लस दिस 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 टू β n इंटू xn, ठीक है? तो कुछ इस तरह से हमें लॉगिट फंक्शंस मिलती है, और इसी फंक्शन का इस्तेमाल करके हम लॉजिस्टिक रिग्रेशन में हम पता करते हैं कि भाई इसकी प्रोबेबिलिटी अगर इतनी आएगी तो ये पार्टिकुलर पॉइंट हमारा किस डायरेक्शन में लाई करेगा, ठीक है? लाइन के किस डायरेक्शन में, किस साइड में लाई करने वाला है। तो चलो अब चलते हैं नेक्स्ट पेज पे, और नेक्स्ट पेज पे हमारा ये है वैसे। हाँ, अब यहाँ पे हम बोलते हैं कि पी एक्स विल बी 0, वाई विल बी 1, देन कॉस्ट फंक्शन हमारा कुछ ऐसा जाएगा, इफ पी एक्स विल बी 1, वाई विल बी 0, देन कॉस्ट फंक्शन हमारा कुछ ऐसा जाएगा। तो ये दो क्लासेस के लिए कुछ अलग अलग करके इन्होंने दे रखा है प्रोबेबिलिस्टिक वैल्यूज, कि अगर आप वाई विल बी 1, यानी कि अगर आप क्लास 1 के लिए या क्लास फर्स्ट के लिए अगर आप देख रहे हो, क्लास 1 के लिए देख रहे हो, और अगर आपकी प्रोबेबिलिटी वैल्यू अगर 0 आती है तो हमारा कॉस्ट फंक्शन वहां पे माइनस इन्फिनिटी देगा, ठीक है? कुछ ऐसे उसी कॉस्ट फंक्शन का इस्तेमाल करके। और अगर आप 0 क्लास के लिए देख रहे हो और अगर आपकी प्रोबेबिलिटी अगर आपकी 1 आ रही है तो यहाँ पे आप क्या करोगे कि यहाँ पे भी आपको माइनस इन्फिनिटी दिखेगा। तो कुछ इस तरह के केसेस हैं जो कि दोनों क्लासेस के लिए थे, बट यहाँ पे अगर हम कंबाइंड होल ट्रेनिंग सेट के लिए अगर हम कॉस्ट फंक्शन देखें तो कुछ ऐसी होती है। लेट मी जूम दिस वन। ये क्या होती है? दिस इज जे थीटा, थीटा इज द वेरिएबल और जे फंक्शन है। तो जे थीटा हमारा फंक्शन है, इस कॉस फंक्शन का रिप्रेजेंटेशन है, और ये जे थीटा हमारा इक्वल होता है किसके? -1/m इनटू इनटू समेशन आई विल बी 1 to m, और ब्रैकेट्स में क्या रहेंगे, वाई आई इनटू लॉग ऑफ पी आई कैप प्लस 1 - yi इनटू लॉग ऑफ 1 - pi कैप। अब यहाँ पे आप समझो कि ये क्या क्या चीजें हैं। ये एम क्या है? एम क्या है? तो एम इज टोटल नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स, कितने रिकॉर्ड्स आपने यहाँ पे ले रखे हो, एम ओ है, ठीक है? और हम समेशन कर रहे हैं आई इज इक्वल 1 to लेके एम तक, यानी कि जितने भी रिकॉर्ड्स के कॉस्ट फंक्शन आएंगे सबको सम अप करेंगे। और कॉस्ट फंक्शन को कैलकुलेट कैसे करेंगे? तो इस पार्टिकुलर एक्सप्रेशन को यूज करके करेंगे। ये एक्सप्रेशन क्या है? तो ए है हमारा एक क्लास के लिए, यानी कि पी आई क्लास के लिए, पीआई क्लास के लिए ये प्रिडिक्शन है। कैप लगा दिए तो पीआई हैट हो गया, जैसे वाई हैट वहां था वैसे पीआई हैट हो गया। और आई मतलब यानी कि जितने नंबर की इटरेशन होगी, जितने नंबर के रिकॉर्ड की इटरेशन होगी, उतने नंबर का वैल्यू यहाँ पे आएगा, उतने नंबर के प्रिडिक्शन यहाँ पे आएगा। और ये पीआई हैट है, यानी कि एक तरह का प्रिडिक्टेड प्रिडिक्शन है ना, प्रिडिक्टेड है, प्रोबेबिलिस्टिक वैल्यू ही है, तो क्या है वो तो प्रिडिक्शन ही है ना, तो ये प्रिडिक्शन है, प्रिडिक्टेड वैल्यू है, इसलिए इसको हम हैट लगा रहे हैं, और उसकी ये एक्चुअल वैल्यू है। इन दोनों को हम मल्टीप्लाई करेंगे और फिर यहाँ पे 1 - yi करेंगे, यानी कि ये थी वाई आई के लिए एक क्लास के लिए, तो ए है हमारी दूसरी सेकंड क्लास के लिए। तो यहाँ पे एक क्लास के लिए और यहाँ पे दूसरी क्लास के लिए, और फिर उसकी दूसरी क्लास की यहाँ पे प्रेडिक्शन और दूसरी क्लास की यहाँ पे एक्चुअल वैल्यू, इन दोनों को फिर यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे और दोनों को फिर हम ऐड कर देंगे, और इस तरह से एक रिकॉर्ड का हमें लॉस कैलकुलेट होके मिलेगा। अब एक रिकॉर्ड के लिए मिल गया, तो जितने भी टोटल नंबर ऑफ एम रिकॉर्ड्स हैं सबके लिए हम ऐसे ही करके कैलकुलेट करेंगे, और सबको बाद में हम फिर ऐड कर देंगे, और ऐड करने के बाद जो भी आएगा उसमें मल्टीप्लाई करेंगे -1/m, और इस तरह से हमें मिलेगा कॉस्ट फंक्शन पूरे होल ट्रेनिंग सेट का। तो दिस 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 एक्सप्रेशन इज यू नो इट इज इंपॉर्टेंट, ये इंपॉर्टेंट है। आपसे इंटरव्यू में लोग पूछ सकता है कि भाई लॉजिस्टिक रिग्रेशन में हम कौन सा कॉस्ट फंक्शन या लॉस फंक्शन का इस्तेमाल करते हैं। तो आप क्या बोलोगे कि हम लॉजिस्टिक रिग्रेशन में हम कौन से लॉस फंक्शन का इस्तेमाल करते हैं? तो आपको यहाँ पे बोलना पड़ेगा कि हम यहाँ पे लॉग लॉस का इस्तेमाल करते हैं, इसे लॉग लॉस बोलते हैं। आपने L1 लॉस देखा, आपने L2 लॉस देखा था, आपने हूबर लॉस देखा था रिग्रेशन के केस में, लेकिन यहाँ पे एक क्लासिफिकेशन की प्रॉब्लम है तो यहाँ पे हम लॉग लॉस का इस्तेमाल कर रहे हैं, ठीक है? ये लॉग लॉस है।
अब क्या करेंगे? तो अब हमें यहां से कॉस्ट फंक्शन प्राप्त हो चुकी है, हमें यहां से कॉस्ट फंक्शन मिल चुका है। अब क्या करेंगे? नाउ वी यूजेज ग्रेडियंट डिसेंट अप्रोच टू ऑप्टिमाइज द एबव कॉस्ट फंक्शन। भाई यहां से हमें कॉस्ट फंक्शन की वैल्यू मिल जाएगी, ठीक है, लेकिन हमारा ये जो कुछ भी एजम्पशंस था वो सारा का सारा एजम्पशंस था उस लाइन पे कि ये लाइन जब हमारी बेस्ट फिटेड लाइन होगी तभी तो हम पता कर पाएंगे, तभी तो उससे सेपरेट कर पाएगी डेटा पॉइंट्स को। तो इन अ वेरी फर्स्ट प्लेस हमने क्या किया था, सबसे बिगिनिंग में हमने क्या किया था कि हमने अपने लाइन के लाइन को ड्रॉ करने के लिए क्या चाहिए, स्लोप चाहिए, इंटरसेप्ट चाहिए, एम की वैल्यू चाहिए, सी की वैल्यू चाहिए। यहाँ पे एम हमारा बीटा वन है और सी हमारा यहाँ पे बीटा जीरो है। तो बिगिनिंग में हमने स्लोप और इंटरसेप्ट को रैंडम वैल्यूज लेकर के, मतलब कोई भी रैंडम वैल्यू ऐसे ही हमने ले लिया था अपने मन से और हमने एक लाइन को ड्रॉ कर दी थी। लेकिन अब हम क्या करेंगे कि हम उन्हीं दो वैल्यूज को ट्यून करने का प्रयास करेंगे, उनको ऑप्टिमाइज करने का प्रयास करेंगे। तो बीटा जीरो और बीटा वन को यहां से हम ऑप्टिमाइज करेंगे, दो पैरामीटर्स हैं हमारे पास, इन दोनों को हम ऑप्टिमाइज करेंगे इस कॉस्ट फंक्शन का इस्तेमाल करके फॉर ड्रॉइंग द बेस्ट फिटेड लाइन। अब बोलता है कि वी यूजेज बीजीडी ऑप्टिमाइजर एंड अपडेट्स द वेट्स बाय यूजिंग ग्रेडियंट अपडेट रूल एंड फाइनली रीचेस टू द ग्लोबल मिनिमा पॉइंट। हमने अपने पिछले पिछले क्लास में, लीनियर रिग्रेशन क्लास में हमने डिस्कस किया था कि ग्रेडियंट डिसेंट अप्रोच क्या होता है। तो ये जो ग्रेडियंट डिसेंट का अप्रोच होता है ये एक तरह का डिफरेंशियल इक्वेशन का इस्तेमाल करता है और वहां पे जितने भी पैरामीटर्स होते हैं, जो भी स्लोप या इंटरसेप्ट, उनको अपडेट करने का प्रयास करता है, ठीक है। और करता क्या है कि जो भी हमें एरर फंक्शन मिलता है, जो भी हमें एरर फैक्टर मिलता है, लॉस मिलता है, उस लॉस को एक ग्लोबल मिनिमा पॉइंट पे, यानी मिनिमा पॉइंट पे लाने का प्रयास करता है। क्यों? क्योंकि अकॉर्डिंग टू कैलकुलस किसी भी कर्व के, किसी भी फंक्शन के मैक्सिमा पॉइंट पे और मिनिमा पॉइंट पे हमेशा ही डिफरेंशियल जीरो होता है, यानी हमेशा ही नो चेंज होता है। तो जब भी ये नो चेंज होगा तो क्या होगा, तो जब भी नो चेंज होगा तो वहां पे हमें लॉस बहुत ही कम मिलेगा, या तो जीरो मिलेगा या तो बहुत ही कम मिलेगा, मतलब नियर बाय जीरो हमें कुछ मिलेगा, कुछ ऐसा मिलेगा, लेसर लॉस हमें चाहिए। तो इसलिए हम ग्रेडियंट डिसेंट का इस्तेमाल करते हैं। और ग्रेडियंट डिसेंट की जो एल्गोरिदम्स होती हैं वो कई तरह की होती हैं, बीजीडी बैच ग्रेडियंट डिसेंट, एमबीजीडी मिनी बैच ग्रेडियंट डिसेंट, एसजीडी स्टोकेस्टिक ग्रेडियंट डिसेंट, ये कुछ ऐसे करके डिफरेंट डिफरेंट तरह के ऑप्टिमाइजर्स होते हैं जिनका हम इस्तेमाल करते हैं। हम इन ऑप्टिमाइजर्स के बारे में आगे देखेंगे जब हम डीप लर्निंग की क्लासेस स्टार्ट करेंगे, तब हम इन ऑप्टिमाइजर्स के बारे में हम डिटेल से पढ़ेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे सिंपली बीजीडी ऑप्टिमाइजर का इस्तेमाल करके कर लेता है और ग्रेडियंट अपडेट रूल को यूज करके फाइनली ग्लोबल मिनिमा पॉइंट पे पहुंचता है और इस तरह से हमें जीरो एरर मिलता है या लेसर एरर मिलता है, जीरो एरर कभी नहीं मिलेगा भाई, लेसर एरर मिलता है, कम से कम एरर मिलता है। और तब जा करके जो हमें बीटा जीरो और बीटा वन के जो भी हमें बेस्ट वैल्यूज मिलते हैं, उन बेस्ट वैल्यूज का इस्तेमाल करके हम उस बेस्ट फिटेड लाइन को ड्रॉ करेंगे और जब हमें ड्रॉ हो जाएगा तो फिर हमारी सारी समस्या खत्म हो जाएगी। इन केस ऑफ लॉजिस्टिक रिग्रेशन वी यूज सेम बेस्ट फिटेड लाइन टू गेट द प्रोबेबिलिटीज ऑफ डेटा पॉइंट्स टू क्लासिफाई देम इनटू मल्टीपल क्लासेस। सो हियर आवर मॉडल इज द लॉगिट फंक्शन विद द बेस्ट वैल्यूज ऑफ स्लोप एंड इंटरसेप्ट और बीटा जीरो बीटा वन। सो लॉगिट फंक्शन विल बी द ट्रेंड लॉजिस्टिक रिग्रेशन मॉडल। यहाँ पे हमारा जो लॉगिट फंक्शन होगा वो वाली लॉगिट फंक्शन, ए वाली, वेट, ए वाली, ये जो आप यहाँ पे देख रहे हो log e px upon 1 minus px, ये है हमारी लॉगिट फंक्शन, ए वाले या फिर आपकी ऊपर वाले जहां पे आपने वो लिख रखा है log e of px upon 1 minus px will be beta 0 plus beta 1 into x, ठीक है। तो ए वाली जो है हमारी, ए वाली हमारी हो जाएगी क्या, ए वाली हमारी हो जाएगी आपकी इस क्या बोलते हैं, ये लॉजिस्टिक रिग्रेशन का ट्रेंड मॉडल हमारा यही लॉगिट फंक्शन कहलाएगा और इसके जो बेस्ट वैल्यूज होंगे वो स्लोप और इंटरसेप्ट के, यानी बीटा जीरो बीटा वन के होंगे। वी फिट द इनपुट डायरेक्टली टू दिस मॉडल एंड देन इट गिव्स द प्रोबेबिलिटी ऑफ इनपुट डेटा पॉइंट। हम क्या करेंगे कि अब जब हमें ट्रेंड मॉडल मिल चुका है तो हम डायरेक्टली अपने फीचर के वैल्यूज को, यानी एक्स के वैल्यूज को हम उस मॉडल के अंदर में फिट करेंगे और फिट करने के बाद हमें डायरेक्टली कुछ आउटपुट मिलेगा। वो आउटपुट क्या रहेगा, वो आउटपुट एक तरह का प्रिडिक्शन होगा और वो प्रिडिक्शन क्या रहेगा, वो एक तरह का प्रोबेबिलिस्टिक वैल्यू होगा, एक तरह की प्रोबेबिलिटी होगी। और फिर हम क्या करेंगे कि हम वहां पे एक थ्रेशोल्ड लगाते हैं कि ये प्रोबेबिलिटी अगर 50% से कम है, अगर 0.5 से कम है तो पॉजिटिव क्लास में, और अगर
50% से ज्यादा है तो निगेटिव क्लास में। अब किसी भी क्लास के लिए आप कर सकते हो, लेकिन यहाँ पे एक थ्रेशोल्ड वैल्यू हम लगाते हैं, और थ्रेशोल्ड वैल्यू लगा करके हम दो क्लासेस के बीच में हम सेपरेशन करा लेते हैं। तो कुछ इस तरह की लॉजिक होती है। आप इन नोट्स को देख करके आप खुद से अपने लॉजिक्स बना सकते हो। मैंने जो भी स्टोरी थी, मैंने सारी की सारी स्टोरी आपके सामने हमने रख दी। अब आपको इस स्टोरी को समझना है, लॉजिकली कनेक्ट करना है, और फिर लॉजिस्टिक रिग्रेशन को समझना है। अब यहाँ से कुछ एक्यूरेसी मेट्रिसेस होते हैं लॉजिस्टिक रिग्रेशन के लिए। तो कैसे कैसे होते हैं, तो एक एक्यूरेसी होती है, रिकॉल होता है, प्रिसीजन होता है, F1 स्कोर होता है, स्पेसिफिसिटी होती है, AUC एंड ROC कर्व होता है, कन्फ्यूजन मैट्रिक्स यहाँ पे आएगी। तो ऐसे करके कुछ यहाँ पे आपको मिल जाएंगे, डिफरेंट डिफरेंट कुछ आपके कन्फ्यूजन मैट्रिक्स हैं। फिर उन सारे मैट्रिसेस के बारे में इन डिटेल आपको यहाँ पे मिलेगा। इसके बाद फिर आपका प्रिसीजन और रिकॉल तरह की F1 स्कोर जो कुछ भी है, फिर एक्यूरेसी मैट्रिसेस आपकी बच जाएंगी। एंड इन लास्ट सो FPR TPR, ये भी कोई चीजें होती है जो कि हम मैट्रिसेस के तौर पे ही हम इनका इस्तेमाल करते हैं। फिर इसके बाद में वेट इसके बाद में एक और कंसेप्ट है जो कि बच जाती है, जो कि है कि मल्टी क्लास क्लासिफिकेशन हम कैसे करेंगे लॉजिस्टिक रिग्रेशन का इस्तेमाल करके। तो देखो भाई, जो सिंपल लॉजिस्टिक रिग्रेशन होती है उसे इस्तेमाल हम करते हैं केवल बाइनरी क्लास क्लासिफिकेशन के लिए। यानी कि बाइनरी क्लास यानी कि केवल दो क्लासेस रहेंगे तो हम सिंपल लॉजिस्टिक रिग्रेशन का इस्तेमाल करके हम क्लासीफाई कर लेंगे। लेकिन अगर आपके पास 3 क्लास हो तब क्या करोगे? अगर आपके पास 4 हो 5 हो 10 क्लासेस हो फिर क्या करोगे? तो वहां पे एक वन वर्सेस रेस्ट की कंसेप्ट आती है, और इसी वन वर्सेस रेस्ट के कंसेप्ट का इस्तेमाल करके हम वहां पे क्लासिफिकेशन करते हैं। ठीक है, अब क्या होता है कि इन दिस वन वर्सेस रेस्ट कंसेप्ट वी यूजेस टू डू क्लासिफिकेशन ऑफ मल्टीपल क्लासेस बाय यूजिंग एन नंबर ऑफ मॉडल्स इन एन इटरेशंस। मतलब क्या? मतलब ये कि हम वहां पे एन बार मॉडल्स की ट्रेनिंग करेंगे। एन बार यानी कि एन तरह की इटरेशंस करेंगे, मतलब एन टाइम्स यानी क्या? एन यहां पे हमारा नंबर ऑफ क्या होगा, एन यहां पे हमारा नंबर ऑफ मॉडल्स होगा या नंबर ऑफ क्लासेस होगा। ठीक है, और एन नंबर ऑफ इटरेशंस करेंगे, और हर एक एन नंबर ऑफ इटरेशंस में एन नंबर ऑफ मॉडल्स का हम इस्तेमाल करेंगे। कैसे? इन ईच इटरेशन वन क्लास इज कंसीडर्ड एज पॉजिटिव क्लास। देखो भाई, जितने भी क्लास हैं आपके पास, अगर 10 क्लास हैं तो 10 इटरेशन में आप ट्रेनिंग करवाओगे, यानी कि 10 बार आप ट्रेनिंग करवाओगे, और हर बार आप 10 मॉडल्स का इस्तेमाल करोगे। मतलब हर बार आप, सॉरी, हर बार 10 का इस्तेमाल नहीं करोगे। मतलब मेरे कहने का मतलब है कि एक इटरेशन में एक मॉडल, दूसरे इटरेशन में दूसरा मॉडल, तीसरे इटरेशन में तीसरा मॉडल, ऐसे करके आप काम करोगे। तो जितने नंबर ऑफ क्लासेस उतने नंबर ऑफ इटरेशंस उतने नंबर ऑफ मॉडल्स। तो अगर एन क्लास है तो एन इटरेशंस होंगी ट्रेनिंग की, और एन नंबर ऑफ मॉडल्स आपको मिलेंगे। एक इटरेशन में एक मॉडल मिलेगा, और एक इटरेशन में होगा क्या? तो एक इटरेशन में क्या होगा, एक टाइम पे क्या होगा कि वन क्लास इज कंसीडर्ड एज पॉजिटिव क्लास एंड रेस्ट ऑल आर निगेटिव क्लास। यानी क्या हम करेंगे कि एक इटरेशन में जब भी हम ट्रेनिंग करेंगे तो उसमें से किसी भी एक क्लास को हम पॉजिटिव क्लास बना लेंगे, और बाकी रेस्ट को, बाकी ऑल सारे को, सबको जो बच गए उनको हम निगेटिव क्लास मान लेंगे। इन इटरेशन I1, इस फर्स्ट इटरेशन I1 में वी यूजेज ऑल फीचर्स टू ट्रेन द मॉडल एंड वी गेट वन आउटपुट। यहाँ पे हम उस मॉडल को ट्रेन करेंगे I1 इटरेशन में, और हमें कुछ O1 आउटपुट मिलेगा। सेकेंड इटरेशन I2 में वही सेम डेटा सेट रहेगा, लेकिन इस समय हम किसी दूसरे क्लास को पॉजिटिव मानेंगे और बाकी रेस्ट को निगेटिव मानेंगे, और इस तरह से हमें O2 आउटपुट मिलेगा। फिर थर्ड इटरेशन में क्या करेंगे, डेटा सेट वही सेम रहेगा लेकिन किसी तीसरे क्लास को यहाँ पे पॉजिटिव मानना है और रेस्ट को निगेटिव मानना है, और फिर हमें कुछ ऐसे करके यहाँ पे थर्ड मॉडल यहाँ पे हमारा आ गया। भाई मॉडल सेम है, सारे के सारे लॉजिस्टिक रिग्रेसर ही है, मतलब लॉजिस्टिक रिग्रेशन के ही मॉडल्स रहेंगे, लेकिन यहाँ पे दूसरा मॉडल ट्रेन हमने किया, यहाँ पे हमने कोई दूसरा मॉडल ट्रेन किया, यहाँ पे कोई हमने तीसरा मॉडल ट्रेन किया। मॉडल सेम ही है लेकिन चूंकि क्लासेस हमारी अलग अलग हैं तो इसलिए फर्स्ट इटरेशन में M1 मॉडल तो O1 आउटपुट, सेकेंड इटरेशन में M2 मॉडल O2 आउटपुट,
थर्ड इटरेशन में एम थ्री मॉडल ओ थ्री आउटपुट, और ऐसे करके सो और हम चलेंगे पूरे एन नंबर ऑफ क्लासेस के लिए। दिस वे आवर लॉजिस्टिक रिग्रेशन मॉडल गेट ट्रेंड ओवर डेटा ऑफ मल्टीपल क्लासेस फॉर प्रेडिक्शन ऑफ टेस्ट डेटा वी यूजेस टू मेक अ सेट ऑफ ऑल आउटपुट्स बाय ऑल डिफरेंट डिफरेंट मॉडल्स m1 m2 m3 mn एंड वी गेट दिस। अब जब प्रेडिक्शन की बारी आएगी, जब हमें प्रेडिक्शन करना होगा टेस्ट डेटा पे, तो हम क्या करेंगे कि डिफरेंट डिफरेंट नंबर ऑफ इटरेशंस के डिफरेंट डिफरेंट जो भी आउटपुट्स आए थे, उन सारे आउटपुट्स को एक लिस्ट के अंदर में, एक सेट के अंदर में हम डाल लेंगे, जैसे O1, O2, O3, ऐसे करके n नंबर ऑफ क्लासेस के लिए O1, O2, O3, टू सो ON तक जो भी आउटपुट्स आए सबको हमने एक सेट में रख लिया। अब बोलता है नाउ दीज आउटपुट्स आर प्रोबेबिलिटीज, ये सारे के सारे आउटपुट्स तो प्रोबेबिलिटी है, प्रोबेबिलिस्टिक वैल्यू है, सो वी सिलेक्ट द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ प्रोबेबिलिटी फ्रॉम द आउटपुट सेट। तो इस आउटपुट सेट से हम उस वाले वैल्यू को चुनेंगे जो सबसे ज्यादा बड़ा हो, यानी कि जो मैक्सिमम वैल्यू हो उसको हम सिलेक्ट करेंगे। ठीक है, ऑल ऑफ आउटपुट्स इन द सेट आर बिलोंगिंग टू द सेम, और सारे के सारे आउटपुट्स इस सेट में वो क्या होंगे, सेम इनपुट डेटा, हाँ एक ही इनपुट डेटा को बिलोंग करेंगे सारे के सारे आउटपुट, सो देयर सम विल ऑलवेज बी वन, तो उनका सम हमेशा एक ही होगा क्योंकि डेटा सेट एक ही है लेकिन प्रोबेबिलिटीज अलग अलग है, तो उन सबका जो सम होगा, सारे प्रोबेबिलिटी का जो प्रोबेबिलिस्टिक वैल्यूज का जो सेट है ना, इन सबका जो समेशन वैल्यू आएगा वो होगा हमेशा वन। लेकिन हम अपना प्रेडिक्शन कैसे लेंगे, तो इस सेट में से जो मैक्सिमम वैल्यू होगा वही होगा हमारा उस पार्टिकुलर डेटा पॉइंट के लिए प्रेडिक्शन। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ इस तरह करके वन वर्सेस रेस्ट का कंसेप्ट आता है, जहां पे कि आप मल्टीपल क्लासेस के लिए भी आप मतलब क्लासिफिकेशन कर सकते हो बाय यूजिंग लॉजिस्टिक रिग्रेशन, और इस तरह से लॉजिस्टिक रिग्रेशन खत्म। अब बचा क्या है इसमें, तो इसमें बचा है आपके कंफ्यूजन मैट्रिक्स और कुछ एक्यूरेसी मैट्रिसेस, जिसका कि इस्तेमाल हम करते हैं कि आपका जो क्लासिफायर है कितना अच्छा है इन टर्म्स ऑफ कैलकुलेटिंग एक्यूरेसी, इन टर्म्स ऑफ गिविंग यू बेस्ट प्रिडिक्शंस कितना अच्छा है, इन टर्म्स ऑफ प्रिडिक्टिंग द पॉजिटिव वैल्यूज, इन टर्म्स ऑफ प्रिडिक्टिंग द नेगेटिव वैल्यूज, इन टर्म्स ऑफ प्रिडिक्टिंग क्या, तो डिफरेंट डिफरेंट स्कोर्स के लिए, डिफरेंट डिफरेंट क्लासेस के लिए आपका मॉडल्स कितना अच्छा है, इन चीजों को जानने के लिए, कैलकुलेट करने के लिए, इवैल्यूएट करने के लिए मॉडल को हम इन एक्यूरेसी मैट्रिसेस का इस्तेमाल करते हैं। तो इन एक्यूरेसी मैट्रिसेस को हम नेक्स्ट वीडियो में हम कवर करेंगे, क्योंकि वो एक लंबी टॉपिक है, हम नहीं चाहते हैं कि वीडियोस को हम ज़्यादा लंबा करें, वैसे ही बहुत ही लंबा हो चुका है, तो अब ज़्यादा इसे एक्सटेंड करना ठीक नहीं है। हम अपने नेक्स्ट वीडियो में कन्फ्यूजन मैट्रिक्स को और एक्यूरेसी मैट्रिसेस को इन डिटेल हम वहाँ पे डिस्कस करने का प्रयास करेंगे। ठीक है, तो चलिए आई होप कि लॉजिस्टिक रिग्रेशन भी आपको क्लियर हो गया होगा, अगर क्लियर अगर नहीं होता है फिर भी थोड़ा सा मैथमेटिकली इंटेंस टॉपिक था, कुछ कुछ फंक्शंस, कुछ कुछ ऐसी कैलकुलेशंस इसमें थी जो कि आई होप कि आपको समझ में नहीं आई होंगी, आप दोबारा से आप अगर वीडियो को अगर देखोगे आई होप सब कुछ आपके लिए क्लियर हो जाएगा। आप इनको बस लॉजिकली क्लियर करो, लॉजिकली कनेक्ट करो, लॉजिकली एक कहानी बनाओ अपने मन में कि भाई कुछ ऐसा होता है, और लॉजिकली नहीं करना है, हमने तो सब कुछ आपको यहाँ पे बाय प्रूफ दिखा दिया कि यहाँ से ऐसे करेंगे, यहाँ से ऐसे करेंगे, ये हमारा ऐसा कुछ अजम्पशंस है, तो इस तरह से सारे की सारी कहानी आपको भी याद रखनी पड़ेगी। एंड व्हेनेवर समबडी इज गोइंग टू आस्क यू कि ठीक है भाई बताओ लॉजिस्टिक रिग्रेशन क्या होता है, तो आप क्या बोलोगे, आपको ये सारे की सारी चीजें बतानी होगी। लॉजिस्टिक रिग्रेशन इज अ काइंड ऑफ एल्गोरिथम व्हिच इज यूज्ड फॉर क्लासिफिकेशन प्रॉब्लम, और यहाँ पे हम क्या करते हैं, यहाँ पे एक बेस्ट फिटेड लाइन का हम इस्तेमाल करते हैं और सिग्मॉइड फंक्शन का इस्तेमाल करते हैं, और इस तरह से दोनों के कॉम्बिनेशन से हमें एक लॉगिट फंक्शन मिलता है, और वो लॉगिट फंक्शन हमें कुछ एक तरह का प्रोबेबिलिस्टिक वैल्यू देता है, फिर एक थ्रेशोल्ड वैल्यू का इस्तेमाल करके हम क्या करते हैं कि हम हर एक डेटा पॉइंट्स के लिए पता करते हैं कि ये डेटा पॉइंट लाइन के इस साइड में लाई करेगा या इस साइड में लाई करेगा। ठीक है, तो ये सारी की सारी चीजें आपको याद रखनी पड़ेंगी, आपको समझनी पड़ेंगी। आई होप कि ये टॉपिक आपको अच्छा लगा होगा। एंड एक और चीज, अगर आपको लगता है कि हमारे टीचिंग में, हमारे एक्सप्लेनेशन में, हमारे डिस्कस करने की तरीके में अगर कुछ अगर कमी है या कुछ भी है, तो एज रिस्पॉन्स आप कमेंट करके आप बताओ, या फिर हमारा नंबर है,
हम आपको अपना नंबर दे दे रहे हैं, ठीक है? आप हमें डायरेक्टली व्हाट्सएप कर सकते हो। और हाँ, एक और चीज की लीनियर रिग्रेशन के लिए और लॉजिस्टिक रिग्रेशन के लिए जो कुछ भी नोट्स हैं, जो कुछ भी मटेरियल्स हैं, इन मटेरियल्स को लेने के लिए अगर आपको चाहिए तो अब मैं क्या करूँ? अब चूंकि क्या है कि अब थोड़ी सी दिक्कत आती है कि कैसे मटेरियल्स मैं आपको दूँ, तो मैं क्या करूँगा, मैं क्या सोच रहा हूँ कि मैं ये चीजें मैं आपको एक व्हाट्सएप पे ग्रुप बना करके मैं वहीं पे मैं आपको टॉपिक बाय टॉपिक मैं आपको दे दूंगा। तो आप फिलहाल के लिए ऐसा करो कि आप मुझे इस नंबर पे आप व्हाट्सएप कर सकते हो इफ यू हैव एनी काइंड ऑफ अ डाउट्स गाइस। वेट, वेट, कोई बात नहीं, बट हाँ, तो आप हमें इस नंबर पे आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हो 9304723057, ठीक है? आप हमें इस नंबर पे आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हो। एंड देन व्हाट आई विल ट्राई टू डू, आप जो लोग भी इंटरेस्टेड हो पूरी की पूरी सीरीज के लिए और इन सारी चीजों के लिए, नोट्स के लिए, तो आई होप गाइस कि यू शुड बी इन ग्रुप। एंड इस तरह से मैं क्या करूंगा कि, या फिर आप अपना ईमेल आईडी भी आप हमें शेयर कर सकते हो, मैं आपको डायरेक्टली ये सारे के सारे फोटोज मैं आपको मेल भी कर दे सकता हूँ, या फिर मैं आपको व्हाट्सएप पे भी शेयर कर सकता हूँ, या फिर जैसे भी मुझे पॉसिबल लगेगा मैं सारे के सारे नोट्स मैं आपको दे दूंगा। बट फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू नो गाइस कि आप में से कितने लोग इंटरेस्टेड हैं और जिन्हें ये सारी की सारी सीरीज अच्छी लगती है, जिन्हें वीडियोज अच्छे लगते हैं, जिन्हें इस तरह से पढ़ना अच्छा लगता है, तो मैं एक बार जानना चाहता हूँ। आप मैसेज करके, कमेंट करके आप हमें बता सकते हो। आप इस वीडियो को लाइक करो, अगर आप नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो, और अपने फ्रेंड्स, रिलेटिव्स, किसी के भी सर्कल में जो भी लोग हैं जो कि डेटा साइंस और एआई में अपना करियर बनाना चाहते हैं, तो आप उनके साथ में इस प्लेलिस्ट का, इस चैनल का जो लिंक है आप शेयर कर सकते हो, क्योंकि हम अब इतना मेहनत कर रहे हैं आप लोगों के लिए, तो भाई आप इतना तो कर ही सकते हो। चलो फिर मिलते हैं फिर अपने अगले वीडियोस में, तब तक के लिए बाय। आई होप यू ऑल विल बी यू नो गेटिंग लॉट्स ऑफ थिंग्स फ्रॉम माय वीडियोस। तो बस ऐसे ही मैं सारी की सारी चीज़ों को, डिफिकल्ट से डिफिकल्ट चीज़ों को मैं हिंदी में आपके लिए एक्सप्लेन करता रहूँगा, और आगे की जो वीडियो होगी उसमें कन्फ्यूजन मैट्रिसेस, एक्यूरेसी मैट्रिसेस को मैं डिस्कस करूँगा। फिर तीसरी एल्गोरिदम होगी हमारी सपोर्ट वेक्टर मशीन। सपोर्ट वेक्टर मशीन के बाद आएगी KNN, के नियरेस्ट नेबर, और फिर आगे हम बढ़ जाएंगे डिसीजन ट्री, रैंडम फॉरेस्ट और एनसेंबल टेक्निक्स पे। तो ऐसे करके कुछ 10 से 12 वीडियोज में हमारी पूरी की पूरी मशीन लर्निंग खत्म हो जाएगी। फिर हम इसका प्रैक्टिकल देखेंगे, हर एक चीज का प्रैक्टिकल करेंगे। आपको इसलिए टेंशन नहीं लेना है, बस फर्स्ट ऑफ ऑल थ्योरेटिकल समझो। थ्योरेटिकल अगर आप कंप्लीट रहेंगे तो प्रैक्टिकल में कुछ भी नहीं होता, प्रैक्टिकल बहुत ही आसान है, बहुत ही आसान है। एक प्रैक्टिकल की छोटी सी इंप्लीमेंटेशन मैं आपको दिखा दूंगा, बाकी आगे आप खुद देखोगे, सब कुछ खुद आप करोगे, ठीक है? और हाँ, एक और चीज गाइस कि ऐसा है कि मैं आपको वैसे कुछ देने वाला था, क्या है कि ईडीए के लिए और फीचर इंजीनियरिंग के लिए आपको, चूंकि हमने कुछ बताया नहीं है, तो आप क्या करो, आप एक चैनल को आप फॉलो करो, अगर आपको पता होगा इनके बारे में, सो ही इज अ वेल नोन यूट्यूबर एंड अ गुड डेटा साइंटिस्ट एंड अ वेरी गुड, आई कैन से, टीचर एज वेल, आई मीन मेंटर एज वेल। तो इन्होंने अपने चैनल पे बहुत सारे ऐसे प्लेलिस्ट बना रखे हैं, तो आप यहाँ पे देख सकते हो, इनके प्लेलिस्ट के अंदर में बहुत सारी प्लेलिस्ट आपको मिल जाएंगी, मशीन लर्निंग की भी मिल जाएंगी, डीएल की भी मिल जाएंगी, हर एक चीज़ की मिल जाएंगी, बहुत अच्छे टीचर हैं। आप यहाँ से जा करके आप देख सकते हो, वेट, ये देखो ये फीचर सिलेक्शन की प्लेलिस्ट है, ये आपको देखनी चाहिए। साथ ही साथ आपको देखना चाहिए, थोड़ा खोजना पड़ता है भाई, ये देखो ये स्टैटिस्टिक्स की प्लेलिस्ट है, आप इसको भी आप फॉलो कर सकते हो।
और एक फीचर इंजीनियरिंग की ये प्लेलिस्ट है, आपको इसे भी फॉलो करना पड़ेगा। तो ये स्टैट्स, फीचर इंजीनियरिंग और फिर ऊपर में जो हमने आपको दिखा दिया वो क्या था? अरे यार, फीचर सिलेक्शन। तो ये दो तीन आप कर लोगे इनके चैनल से, एंड आई होप कि काफी कुछ चीजें आपकी सही हो जाएंगी, काफी आपके डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। और ये है आपका कंप्लीट मशीन लर्निंग प्लेलिस्ट। तो आई थिंक ये कुछ कुछ वीडियोज आपको यहाँ पे भी मिल जाएंगे। तो पाइथन के वीडियोज, पाइथन अगर आपको लगता है कि पाइथन में अगर आप कमजोर हो, पाइथन प्रोग्रामिंग अगर आपको नहीं आती है, कुछ कुछ चीजें ऐसी हैं जो कि आप यहाँ से कर सकते हो। एंड आई थिंक कि आपको करना भी चाहिए, आपको एज ए रिविजन इन सारे टॉपिक्स को आपको देखना चाहिए, सारे वीडियोज को आपको फिर से वॉच करना चाहिए और प्रैक्टिस करना चाहिए। तो बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जिन्होंने कि यहाँ पे उन्होंने बेटर वे में डिस्कस कर रखा है। तो आई होप कि आप इन चीजों को करो और इनको सीखो यहाँ से। यहाँ पे आपको सारी स्टैट्स वाले भी मिल जाएगी और फिर एमएल की भी आपको यहाँ पे वीडियो मिल जाएगी इन डेप्थ। आप इनके भी वीडियोस को आप फॉलो कर सकते हो, बट ये वीडियोस इंग्लिश में है। अगर आपको अच्छा लगता है आप यहाँ से करो एक बार। आपको एज ए रेफरेंस देखना भी चाहिए, क्योंकि कुछ कुछ ऐसे भी चीजें हैं जो कि ये बहुत ही बढ़िया से एक बेटर वे में डिस्कस करेंगे। आप एक बार एज ए रेफरेंस आप इनको भी वॉच कर सकते हो। अदरवाइज मैं यही प्रयास करूंगा कि सब कुछ इन डेप्थ में मैं आपके सामने कवर करूं, और वो भी हिंदी लैंग्वेज में। तो चलो फिर मिलते हैं फिर हम अगले वीडियोस में। तब तक के लिए बाय, टेक केयर।